सभी का, जितने भी मुझसे जुड़े हैं सभी का मैं करबद्ध आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, और उन सभी पदाधिकारियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस बहुत बड़े पटल पर जगह दी। कुछ चंद कविताएं, कुछ गीत जैसे भी मैं लिखता हूँ टूटे फूटे, वो आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले सभी को पुनः एक बार स्वागत, और अपना पाठ, काव्य पाठ शुरू करता हूँ। सबसे पहले माँ शारदा को नमन, मंच चंद सरोकार मंच को नमन। जय जय शारदा हंस वाहिनी, जय जय शारदा हंस वाहिनी, ज्ञान ज्योति उपजाया, जय जय शारदा हंस वाहिनी, हरहुँ घोर तम तमिस्त्र नाशिनी, हरहुँ घोर तम तमिस्त्र नाशिनी, अखिल विश्व वरदाया, जय जय शारदा हंस वाहिनी, शुभ्र वसन अनुपम छवि मोहक, शुभ्र वसन अनुपम छवि मोहक, कर छवि शुभ वीणा, जय जग जननी जय जग जननी, बोधि प्रदायनी, जग जग जय जननी जय जग जननी, बोधि प्रदायनी, चतुर्भुजी हर पीड़ा, जय जय शारदा हंस वाहिनी, स्वर्ण किरीट अलंकृत भूषण, स्वर्ण किरीट अलंकृत भूषण, श्वेत वर्ण शुभ रूपा, ब्रह्म स्वरूपा ब्रह्म स्वरूपा, त्रिनेत्र शोभिनी, ब्रह्म स्वरूपा हाँ ब्रह्म स्वरूपा, त्रि नेत्र शोभनी, सुर नर मुनि जन पूजा, जय जय शारदा हंस वाहिनी, जय जय शारदा हंस वाहिनी, कुमुदी प्राप्ता जय ब्रह्मचारिणी, कुमुदी प्राप्ता जय ब्रह्मचारिणी, वरदायनी जग ख्याता, नील ग्रीवामा कमल लोचनी, नील ग्रीवामा कमल लोचनी, ज्ञान दायनी माता, जय जय शारदा हंस वाहिनी, जय जय शारदा हंस वाहिनी, जय जय शारदा हंस वाहिनी। नमस्कार, मैं कुछ अपने बारे में बता दूं और उसके बाद फिर कुछ एक कविताएं, गीत जो भी मेरे पास है मैं आपकी सेवा में पेश करूंगा। मैं कोटा शहर में रहता हूं पिछले कुछ समय से, ये साहित्य का सृजन कर रहा हूं, अभी नया नया हूं। कुछ कविताएं, कुछ टूटे फूटे गीत कुछ लिख देता हूं। अभी तक लगभग 400 से 500 कविताएं मैं लिख चुका हूं, और एक मैंने खंड काव्य भी लिखा है सम्रांगण से, प्रकाशन के लिए उसको कुछ समय बाद कोशिश करूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से। गोस्वामी तुलसीदास, चरित्र चालीसा, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, और कुछ एक दोहा शतक भी लिखा है जिसमें 100 110 के लगभग दोहे हैं। हम आपके सामने एक और कविता, ये कविता देश के उन
श्रमिकों को, किसानों को, उन अन्नदाताओं को समर्पित है जो अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं और किस प्रकार देश की सेवा करते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं, आम आदमी की सेवा करते हैं और खुद बड़ी मुसीबतों में रहते हैं, उन्हीं को समर्पित मेरा ये गीत, मेरी कविता। जो करना है गुणगान करो माटी वीरों का, 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 जिसने निज लहू से सींच धरा पर बीज उगाए, जिसने निज लहू से सींच धरा पर बीज उगाए, खुद रहे झोपड़े बीच धरा पर महल बनाए, जो पली धरा की अंक अकिंचन पर हीरों का, जो करना है गुणगान करो माटी वीरों का, जो करना है गुणगान करो माटी वीरों का। एक एक पंक्ति पर ध्यान दें। श्रम शिखर भल पर सजा भूपति साहर साते, श्रम शिखर भल पर सजा भूपति साहर साते, सह शीत घाम अति वात में हमें भी मुस्काते, विधि पृष्ठ भाग पर सजे, विधि विधाता, विधि पृष्ठ भाग पर सजे त्रण सारंग तीरों का, जो करना है गुणगान करो माटी वीरों का, जो करना है गुणगान करो माटी वीरों का, जो करना है गुणगान करो माटी वीरों का, पग कंटक सजते जाल अंग शोभित जो भूषण, कांटों को भी वह भूषण के समान लेते हैं, पग कंटक सजती जाल अंग शोभित जो भूषण, माटी से लथपथ हाथ लगे जो स्वर्णिम कंकण, अपराजित जिनका साहस कष्ट साधे धीरों का, जो करना है गुणगान करो माटी वीरों का, जो करना है गुणगान करो माटी वीरों का। और उनका जीवन देखिए आप। माटी को लेती ओढ़ बिछा माटी को सोते, माटी को लेते ओढ़ बिछा माटी को सोते, माटी को खाते सेक नीर अंजलि भर पीते, माटी को लीती ओढ़ बिछा माटी को सोते, माटी को खाते सेक नीर अंजलि भर पीते, मत चूमो रमणी अदर चूम सर, मत चूमो रमणी अदर चूम कर सह तीरों का, जो करना है गुणगान करो माटी वीरों का, जो करना है गुणगान करो माटी वीरों का, जो करना है गुणगान करो माटी वीरों का, जो करना है गुणगान। धन्यवाद। मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, आशा है कि आप लोग मुझे सुन रहे होंगे। और आजकल कोरोना काल में लोग बड़े हताश रहे, निराश रहे, उसी दौरान मैंने एक चंद लाइनें लिखने का प्रयास किया, वो आपके सामने पेश करता हूँ। हाँ, हंस तंवर साहब का कमेंट्स नजर आया है। स्वागत है आपका जन सरोकार मंच टॉक पर, मैं आपका स्वागत करता हूँ हेमराज सिंह हेम। और एक गीत आपके सामने फिर रखने का प्रयास करता हूँ। हार कर जीतना जिंदगी दोस्तों, जीतते ही रहे जिंदगी तो नहीं। जिंदगी क्या है, किसे जिंदगी कहें, जीतते रहने को या हारते रहने को या हार कर जीतने को। हार कर जीतना जिंदगी दोस्तों,
जीतते ही रहे जिंदगी तो नहीं हार कर जीतना। पहला बंद देखिए, जिसने छेनी हथौड़ी को अविरल सहा, देवता सा धरा पर वह पूजा गया। जिसने छेनी हथौड़ी को अविरल सहा, देवता सा धरा पर वह पूजा गया। हो भले कीमती रूप में रंग में, जो किनारे पड़ा वह पड़ा रह गया। गर गिरे गिर उठो उठ चलो दोस्तों, जो पड़े ही रहे जिंदगी तो नहीं हार कर जीतना जिंदगी दोस्तों। जीतते ही रहे जिंदगी तो नहीं हार कर जीतना जिंदगी दोस्तों। जीतते ही रहे जिंदगी तो नहीं। और आदमी की वैल्यू क्या है, वैल्यू कब होती है आदमी की, कीमत कब होती है? लाख कीमत सही हो मगर सीप में, लाख कीमत सही हो मगर सीप में, कहीं मोती मुकुट में वह सज पाया है। लाख कीमत सही हो मगर सीप में, कहीं मोती मुकुट में वो सज पाया है। जो थपेड़े सहे जो लड़े लहर से, जो थपेड़े सहे जो थपेड़े सहे, जो थपेड़े 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 सहे, जो थपेड़े सहे जो लड़े लहर से, शीश राजा के चढ़ के वह इठलाया है। सोना तप कर ही कुंदन बने दोस्तों, जो गड़ा ही रहे जिंदगी तो नहीं हार कर जीतना जिंदगी दोस्तों। जीतते ही रहे जिंदगी तो नहीं। अगला बंद देखिए, नीर पर्वत शिलाओं से डर जो गया, नीर पर्वत शिलाओं से डर जो गया, प्यास धरती की कैसे बुझा पाएगा। नीर पर्वत शिलाओं से डर जो गया, प्यास धरती की कैसे बुझा पाएगा। तोड़ कर पत्थरों को जो आगे बढ़ा, तोड़ कर तोड़ कर तोड़ कर तोड़ कर तोड़ कर पत्थरों को जो आगे बढ़ा, ली हथेली पे मधुसा पिया जाएगा। नीर बहकर, हाँ नीर बहकर ही निर्जर बने दोस्तों, जो बहे ही नहीं जिंदगी तो नहीं हार कर जीतना जिंदगी दोस्तों। जीतते ही रहे जिंदगी तो नहीं। और अंतिम बंद इस गीत का, इस बंद को उन सभी, उस पूरे गीत को उन नौजवानों को समर्पित करता हूं जो डर जाते हैं, जो घबरा जाते हैं। और चित्रंजन साहब का सादर आभार स्वागत। जो डर जाते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, उनको लेकर के अंतिम गीत का बंद जो है पूरी तरह से समर्पित। और ये प्राण है इस गीत का, ध्यान से एक एक पंक्ति पर गौर कीजिए। डर गया व्योम से जो उड़ा ही नहीं, डर गया व्योम से जो उड़ा ही नहीं, नीड़ में ही जिया नीड़ में मर गया। डर गया व्योम से जो उड़ाई नहीं, नीड़ में ही जिया नीड़ में मर गया। डर गया व्योम से जो उड़ाई नहीं, नीड़ में ही जिया नीड़ में मर गया। जो उड़ा पंख फैला भिड़ा व्योम से, जो उड़ा
जो उड़ा पंख फैला भिड़ा व्योम से पार कर वो गगन को पंछी गया। हौसला अब परों में भरो साथियों, हौसला अब डगों में भरो साथियों, जो उड़े ही नहीं जिंदगी तो नहीं, हार कर जीतना जिंदगी दोस्तों, जीतते ही रहे जिंदगी तो नहीं। नमस्कार, और मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरे टूटे फूटे शब्द पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि तो मुझे आपके दिखाई नहीं दे रहे। एक गीत जिंदगी के बारे में, जिंदगी की एक एक अवस्था को मैंने इसमें ढालने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जीवन किस तरह से चलता है और आदमी किस प्रकार उस जीवन को जीता है, जीवन का शुरुआत किस तरह से होता है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। खिली सुबह फिर चढ़ी दोपहरी, खिली सुबह फिर चढ़ी दोपहरी, सांझ ढली फिर रात हुई, हंसी ठिठोली अनमन बेमन तरह तरह की बात हुई। खिली सुबह फिर चढ़ी दोपहरी, सांझ ढली फिर रात हुई, हंसी ठिठोली अनमन बेमन तरह तरह की बात हुई। जीवन का पहली अवस्था देखिए, जीवन का पहला पड़ाव देखिए। ना समझी में नादानी में पहली सीढ़ी आन चढ़ा, ना समझी में नादानी में पहली सीढ़ी आन चढ़ा, बना सहारा थाम किनारा धीरे धीरे कदम बढ़ा, नेह मेह की धार बह चली प्रेम नीर में डूब गया, आंचल में छिप कर मुस्काया आंचल में ही रात हुई, हंसी ठिठोली अनमन बेमन तरह तरह की बात हुई, हंसी ठिठोली अनमन बेमन तरह तरह की बात हुई। जीवन की दूसरी अवस्था देखिए आप, क्या होता है इस जीवन में, आदमी सब कुछ भूल जाता है अपने मद में। जीवन की दूजी सीढ़ी पर रक्तिम आबा साथ लिए, जीवन की दूजी सीढ़ी पर रक्तिम आबा साथ लिए, इतराया इठलाया झूमा नस नस में फौला दिलिए, यौवन का उन्माद नसों में यौवन का उन्माद अंग भर घर बाहर मदहाल रहा, सुखद नींद में जी भर सोया महकी सी प्रभात हुई, हंसी ठिटोली अनमन बेमन तरह तरह की बात हुई, हंसी ठिटोली अनमन बेमन तरह तरह की बात हुई, हंसी ठिटोली अनमन बेमन तरह तरह की बात हुई। और जीवन का तीसरा अवस्था देखिए आप, जीवन की तीसरी अवस्था, जब बुढ़ापे की ओर आदमी अग्रसर होता है तो क्या होता है। सूख गया मकरंद फूल से लौट गए भंवरे सारे, सूख गया मकरंद फूल से लौट गए भंवरे सारे, खफ खांसी के साथ दमा भी आ बैठा चौखट द्वारे, कौन पराया कौन था मेरा पहले जान नहीं पाया, तब जाना जब ढली सांझ में अपनों की आघात हुई, तब जाना जब ढली सांझ में अपनों की आघात हुई, हंसी ठिटोली अनमन बेमन तरह तरह की बात हुई, हंसी ठिटोली अनमन बेमन तरह तरह की बात हुई, हंसी ठिटोली अनमन बेमन तरह तरह की बात हुई।